विश्व अनोखू महत्व एक एशिया खास कर भारत देश विश्व घना बदा लोग अपना देश में व्यापार करने धन कमा आतुर होता है कारण के अहियाँ विदेशी व्यापारी अपने त्या जमीन मार्गे वायव्य सरहदे थी आवता अने व्यापार करता जमीन मार्गे अरब व्यापारी वर्षो थी व्यापार करता परंतु परिस्थिति बदलाई गई जमीन मार्गे व्यापार अटकी पड़ो जेथी यूरोपियन देशों भारत साथ व्यापार करने माटे बीजा मार्ग माटे विचारवानी फरजियात एमने जरूर पड़ी भारत देश में एवी चीज वस्तुओ थी जे यूरोपियन लोगों ने कायम माटे जरूरियात होती रहती जेवी के रेशम सूतरा कापड़ मलमल अने मसाला तेजाना वगैरे की मांग थी आ परिस्थिति नो लाभ लेवा माटे यूरोपना मोटा भागना देशों भारत पहुंचवा माटे जल मार्ग नो शोधी काढ़वा माटे थई योजना बनाई हवे जो नीचे चित्र में पहला में एक आपने आप्यु छे के भाई जल मार्ग केवी रीते शोधवा मां आव्यो तो सौ प्रथम अपने अंदर आयु चित्र पोर्टुगल आयु लिस्बन पोर्टुगल थी नीचे तमने जो एरो टप्पा द्वारा दर्शाव्यु केप ऑफ गुड होप आया यहाँ कालिकट कोचीन बंदरे आई रीते जलमार्ग शोधवा मांड्यो हवे अपने एम कहे खास करीने के समय जता यूरोप ना लोकोए शु कह्युं के भाई त्यांना साहसिक जे हता लोको ए सागर खेडू अने भारतनो जलमार्ग शोधवानुं शरूआत करी पहलू नाम आवे छे क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आवाना जलमार्ग शोधवा माटेनुं सौ प्रथम बीड़ू आ क्रिस्टोफर कोलंबसे उपाड्युं इटाली नो रहेवासी हतो खूब ज साहसिक हतो ई मानतो हतो के पूर्व जवा माटे पश्चिम बाजुथी पण जई शकाय आम साथी विचार्यू छे ई आपणे एम कहे के तमे विचारो कोलंबसे ईस्वीसन 1492 मां भारत आवा माटे निकळ्यो परंतु ते आकस्मिक रीते अमेरिका जई रह्यो अने ते जीव्यो त्यां सुधी ते पोताने हिंदुस्तान नो शोधक मानतो हतो आजे अमेरिका ना मूळ वतनीओने रेड इंडियन अने तेना किनाराना टापुओने डेस्टिनीस तरीके ओळखवामां आवे पछी बीजू एक नाम आवे छे वास्को द गामा भारत आवा जलमार्ग शोधवा माटे सफलता मेळवा माटे पोर्टुगल देश नो रहेवासी वास्को द गामा तेनु जहाज आफ्रिका ना दक्षिणे केप ऑफ गुड थी फरतु चक्कर लगाई आफ्रिका ना पूर्व किनारे मालदीव पहुंची गई हिंद महासागर में आगे बढ़ता मोहम्मद इब्न मजीद नामना हिंदी खलासी की मदद थी हिंद महासागर थई 22मी मे 1498 ने दिवसे कालिकट बंदरे पहुंचो ई वक्ते कालिकट नो राजा जामोरी नतो एने पोर्टुगीज लोको ने व्यापार करवानी छूट आई ईस्वीसन 1502 मा पोर्टुगीजो ए व्यापार करवा माटे कालिकट मा कोठी स्थापी तेना पर ते किल्लो बांधी अल्बुकर्क नामना एक सेनापति ने तेनो रक्षक तरीके नियुक्त अल्बुकर्क के उत्तर तरफ आगे वधीने ईस्वीसन 1506 मा गोवा जीती लीधुं 100 वर्ष